हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट है। अगले कुछ दिनों के लिए अगर आप अनअकैडमी प्लस का प्लान लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा। जो रेगुलर आपको ऑफ मिलता है उससे ऊपर 15% है बैंकिंग, एसएससी और रेगुलेटरी बॉडीज कैटेगरी में। मान लेते हैं आप एसएससी का प्लान चूज़ करते हैं 2 साल का, तो जनरली जो प्लान आपको 7800 का पड़ता है वो प्लान अगर आप डिस्काउंट कोड PMYT का इस्तेमाल करेंगे और लेंगे तो आपको 6000 से भी कम का पड़ेगा। साथ में क्रेडिट्स हो वो भी लगा देना, उससे आपको रेट और कम पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना है जो एसएससी का प्लान है इसमें पूरी एसएससी कैटेगरी इंक्लूडेड है। जितने बैचेस 17 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, जो 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे के सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज एसएससी कैटेगरी के, वो सब के सब टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। जितने मॉक टेस्ट हैं सभी क्लासेस के PDFs इंक्लूडेड हैं। आपको बस अपना 2 साल का प्लान चूज करना है और डिस्काउंट कोड PMYT का इस्तेमाल करना है। वैसे ये जो डिस्काउंट कोड है ये आपका हर कैटेगरी में हर ड्यूरेशन के लिए प्लान के लिए लागू है। आप चाहे तो 1 साल 6 महीने का प्लान भी ले सकते हैं, बट बेस्ट प्लान जो मैक्सिमम बच्चे लेते हैं वो 2 साल का है। आप इसे चूज करें और अपना मैक्सिमम डिस्काउंट लेके प्लस पे आके अच्छे से हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी करें, ठीक है। आज बाकी मिलते हैं आप सभी से क्लासेस में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2021 आया है। क्या है रिक्रूटमेंट, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। ऑफिशियल नोटिस मैंने यहाँ पे लगाया है पूरा, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि नेवी में, यहाँ पे एनरोलमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिस 2022 और 2023 के बैच के लिए आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी है अप्रेंटिसशिप के लिए। क्या है पॉइंट नोट वन में, इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ITI क्वालिफाइड इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ट्रेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एट द नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए फॉर द बैच 2022 एंड 2023 के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आपको एप्लीकेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। ITI क्वालिफाइड इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे पूरी देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज़ें इसमें हम इसमें देखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक ही आप देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो 275 है। UR कैटेगरी की 115 है, बाकी सारी कैटेगरीज की भी और पोस्ट वाइज डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने ऑलरेडी ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रखी है तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी ही है, इसलिए आप इसके लिए दोबारा एलिजिबल फिर नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही बार आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने ऑलरेडी ही अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में प्रीवियसली आपने कंप्लीट कर रखी है अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके से आपके फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं, मतलब एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो जो ऑनलाइन सबमिशन है, लास्ट डेट जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिशन की, वो यहाँ पे 5 दिसंबर है, और ऑफलाइन आप इसे 14 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर 14 दिसंबर के बाद आपकी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन, अगर आपकी वहाँ पे पहुँचती है तो फिर इसको ये लोग रिसीव नहीं करेंगे। इसलिए लास्ट डेट अगर आप ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन तो 14 दिसंबर है, और ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं तो 5 दिसंबर है। फॉर्म इसके ऑलरेडी अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है यहाँ पे। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे 10th पास ITI मांगी गई है, 50% अगर आपके मिनिमम परसेंटेज 10th में, और ITI में आपके 65% एग्रीगेट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, जिन लोगों ने COVID-19 के अंदर अपना यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पास की है, तो उनके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पे प्रमोटेड लिखा हुआ होगा, परसेंटेज नहीं होगी, तो इसलिए उनके लिए ये क्राइटेरिया फिर मायने नहीं रखता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे एज क्या है आपकी। जो एज 1 अप्रैल 2000 जो बर्थ है वो हुआ होना चाहिए, आपकी बर्थ डेट इसी के बीच में हुई होनी चाहिए, और SC ST कैटेगरी की भी लिखी हुई है। साथ ही जो सन और डॉटर होंगे जो ऑलरेडी नेवी में हैं और डिफेंस में हैं एम्प्लॉयज, तो उनके बेटा और बेटी को यहाँ पे 2 साल का मिलेगा आपको एज रिलैक्सेशन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है, एग्जाम कब से होंगे इसके। तो यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑल ग्रेड्स का, वो यहाँ 27 जनवरी को लिया जाएगा, और जो इसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा रिटन एग्जाम का, वो 29 जनवरी को ही हो जाएगा।
साथ ही आपका इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम्स की डिटेल्स भी दी हुई हैं। आपके जो इंटरव्यू हैं वो ना जनवरी और फरवरी, जनवरी एंड और फरवरी की स्टार्टिंग में ही ले लिए जाएंगे, यहाँ डेट्स दी हुई हैं। और साथ ही जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे 7 से 15 फरवरी 2022 में आपका होगा। आपकी जो ट्रेनिंग है यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। तो आप ऐसे समझ के चलिए 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे आपका जो बैच है 2022 और 2023 अप्रेंटिसशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग इसको फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हैं PMYT। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24th of November से, तो यहाँ पे आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन परचेज करके अनअकैडमी ऐप का बाय यूजिंग डिस्काउंट कोड PMYT। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप PMYT कोड लगा सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि PMYT कोड सारी ही कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, UGC NET, IIT JEE, NEET, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं PMYT कोड सारी ही कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो PMYT